हाय गाइस, दिस इज शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, एक बार आइए फटाफट से देख लेते हैं कल की मार्केट किस तरह की रह सकती है, और हम पहले एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के। तो गाइस, बैंक निफ्टी में आज बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला। एज एक्सपेक्टेड, बैंक निफ्टी जिन लेवल्स पे खुला वहां पे टिक नहीं पाया, और अगर आप लोगों ने मेरा ट्रेड देखा होता आज का, तो आप लोगों ने देखा होता कि वहां पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया था। तो गाइस, आज की जो ट्रेड वीडियो है वो ही मैंने अपलोड कर दिया, उसका लिंक जो है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। पर हाँ, ये जो लेवल थे बैंक निफ्टी, यहाँ पे टिक नहीं पाया, एज एक्सपेक्टेड वहां पे एक गिरावट आई और ऊपर की तरफ का ही मूव देखने को मिला। तो यही हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, मार्केट में दोनों ही तरफ के मूव देखने को मिलेंगे, नीचे ऊपर ऊपर नीचे मार्केट जाएगी। तो दिन की शुरुआत में जो मेरा ट्रेड था कॉल राइटिंग साइड पे था, मार्केट में गिरावट आई, कॉल का प्राइस भी टूटा और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। पर उसके बाद यहां से मार्केट पलटी। तो गाइस, यहाँ पे मार्केट का पलटना जो था वो स्वाभाविक था। हालांकि मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने निफ्टी की पुट को शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर गई, मुझे उसमें भी प्रॉफिट हुआ। पर गाइस, यहाँ से मार्केट को पलटना ही था। क्यों पलटना था? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जिसपे काफी दुनिया की नजर थी कि यहाँ पे आएगा तो वापिस से वो बुलिश ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कई बार पलट चुकी है। तो गाइज, ये वो लेवल है 43,400 वाले, जहां पे मार्केट कई बार पलट चुकी है, रिसेंट पास्ट में भी पलटी है, उससे पहले भी पलटी है। तो आइए मैं आपको एक बार फटाफट से दिखाता हूँ ये लेवल जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इधर से मार्केट पलटी थी, उससे पहले ये वो जगह थी जहां से मार्केट पलटी थी। तो ये 43,400 का लेवल जो है ना गाइज, इतना इजिली ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पर ट्रेडर्स की नजर थी कि अगर इस लेवल के आसपास आता तो वहां पे दोबारा से खरीदारी की जाएगी। पर फिर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे कई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स का जो स्टॉप लॉस है वो डेफिनेटली हिट हुआ होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन थ्योरी जो वो लोग फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं कि अगर कैंडल जो है, अगर कोई सपोर्ट का लेवल है वहां पे जो कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो वहां पे बेयरिश ट्रेड बनता है। ठीक है, तो ये तो 5 मिनट की कैंडल, अगर 15 मिनट देखोगे तो प्राइस यहाँ पे 15-20 मिनट या आधा घंटा यहाँ पे रुका। तो यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, बेयरिश पोजिशन बनाई होगी, पर उसके बाद उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो गाइज देखिए, ये होता है, ये चाहे आप कुछ भी फॉलो करो, या चाहे आप इंडिकेटर्स फॉलो करते हो, आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, कुछ भी करते हो, स्टॉप लॉसेस कहीं पे भी हिट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर आपका ट्रिगर चलेगा, कहीं पे ब्रेकडाउन आएगा, हर बार काम नहीं करेगा। पर हाँ, कुछ ना कुछ लेवल जो है वो जरूर फॉलो किया करो। और ऐसा भी नहीं है कि ये लेवल, ये सपोर्ट आपने देखी और वहीं पर सीधे आगे खरीदारी करनी शुरू कर दी, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कई ट्रेडर्स करते हैं कि यहाँ पे उनको एक सपोर्ट नजर आ रही है, सीधा वहां पे जाके एक अपना खरीदारी के लिए ऑर्डर लगा देते हैं, और वो सपोर्ट जो है वो टिक नहीं पाती, वहां पे प्राइस जो है टिक नहीं पाता, नीचे ब्रेकडाउन मिलता है और काफी नीचे के नए लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखा जरूर करो कि प्राइस एक्शन अगर यूज करते हो तो, अदरवाइज ट्रिगर। तो मैंने यहाँ पे ट्रिगर को फॉलो किया, यहाँ पे एक अपसाइड ट्रिगर मुझे देखने को मिला, तो वहां पे मैंने एंट्री की, छोटा स्टॉप लॉस था और वहां पे बहुत बड़ा ऊपर की तरफ का मूव आ गया। तो गाइज, अब बात ये आती है कि कल क्या बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, जहां से ये पलटा मार्केट, यहां से पलटी, कल के हमें ऊपर की तरफ के नए लेवल देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कल मुश्किल है ऊपर की तरफ के नए लेवल। उसका कारण है कि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा कंजेशन है। अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे देखिए गाइस, ये वो सारा लेवल है जहां पे काफी ज्यादा कंजेशन है। यहाँ पे बार बार ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर मार्केट होती है और वहां पे पैसा नहीं बन पाता। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है, साइडवेज हो जाती है, तो यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास वो आके पॉज लेना ही है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, ये 44,000 का लेवल है, 44,000 एक राउंड नंबर जिसको काफी सारे लोग फॉलो भी करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी जितने भी राउंड नंबर्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोबारा से ट्रेडर्स की नजर होगी कि अगर इस लेवल तक पहुंचता है, क्योंकि यहाँ से पहले भी मार्केट पलटी है और यहाँ पे राउंड नंबर भी है, यहीं पे अगर दोबारा आता है तो वहां पे खरीदारी का मौका मुझे नहीं लगता, वहां पे मुझे बिकवाली का मौका नजर आता है। अगर इन लेवल्स के आसपास पहुंचता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे मैं बिकवाली ही करके चलना चाहूंगा, यहाँ पे मैं खरीदारी नहीं करूंगा, और वो भी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, वो भी अगर मुझे ऑक्टा या फिर कैटल सेटअप के अकॉर्डिंग कोई डाउन साइड ट्रिगर मिलता है तो मैं वहां पे एंट्री करूंगा। तो गाइज, एक बार थोड़ा सा और भी ऊपर जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी टाइम पे ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है यार, इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना, कभी भी अपने एनालिसिस करो आगे आने वाले टाइम में। ये किसी टाइम पे, अगर आप लोगों को याद हो, 44,150 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बार बार यहाँ से बैंक निफ्टी पलटता था, और जब ये ब्रेक हुआ तो इसके बाद इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया इसी लेवल पे। पर गाइज, ये लेवल जो है यहाँ पे खुल के बाइंग मैंने नहीं देखी, यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट मैंने नहीं देखी, यहाँ पे कंजेशन ही था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रही है काफी टाइम तक। तो मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग करना पसंद नहीं आएगा, इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करना पसंद नहीं आएगा। अगर मेरे को बुलिश ट्रेड लेना ही है तो वो मेरा बैंक निफ्टी में नहीं बनता। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो यहाँ पे मैं सेलिंग के दोबारा मौके ही ढूंढूंगा, बैंक निफ्टी अगर नीचे गिरता है तो वापिस से 43,400 का लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं ये भी एक चीज पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है, अगर कहीं पे सपोर्ट है, अगर बार बार प्राइस सपोर्ट पे आके टच करता है, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ और आप लोगों से पूछता भी हूँ कि प्राइस अगर वापस से
यहाँ से ऊपर से नीचे गिरता है और यहाँ पे आके टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, तो इससे होता क्या है गाइस? क्या ये सपोर्ट जो है ये और ज्यादा मजबूत हो जाती है, या ये सपोर्ट जो है वीक पड़ने लग जाती है अगर प्राइस जो है बार बार आके इस पे टच करे? तो मैंने जो समझा है, मैंने जो सुना है, अगर एक लेवल है जहां से बार बार आके मार्केट पलटती है, चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। पर किसी ने मुझे ये बताया कि, और उसने काफी एक लॉजिक भी दिया कि अगर एक ही लेवल पे बार बार आके टच हो रहा है तो वो लेवल जो है धीरे धीरे वीक होता जाता है। तो भाई मुझे बताना कि क्या आपका मानना है, और उन्होंने समझाया इस तरीके से था कि अगर दीवार है, दीवार पे आप एक हथौड़ा मारोगे वो नहीं टूटेगी, हो सकता है दो तीन बार मारोगे तो धीरे धीरे वो दीवार जो है कमजोर होती जाती है। तो भाई आप लोगों का क्या मानना है, अगर एक ही लेवल पे बार बार आके प्राइस टच करे तो वो जो लेवल है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है, या फिर वो लेवल जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है? तो गाइस देखिए, बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको अब बता दिया कि बैंक निफ्टी में मैं कुछ खास बुलिश नहीं हूं इस लेवल पे आके, तो खास तौर पे अगर नीचे की तरफ यहाँ पे कोई गिरावट आती है फिर मुझे कोई अपसाइड सिग्नल मिलता है तो वहां पे तो मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर ले सकता हूँ। पर एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी की भी, तो गाइस मुझे निफ्टी जो है बेटर नजर आता है बैंक निफ्टी से। और आप यहाँ पे देखो, निफ्टी के अंदर कोई रोक नहीं है, निफ्टी जो है इस लेवल पे आके नहीं अटकता, निफ्टी ने भी जो क्लोजिंग दी है डे के हाईएस्ट प्राइस पे दी है, और यहाँ पे एक एक बार यहाँ पे इस लेवल से निफ्टी पलटा है, पर यहाँ पे कोई रुकावट वाला एरिया नहीं, जो रुकावट वाला एरिया था वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, ये लेवल था सपोर्ट का, यहाँ पे दोबारा एक बार सपोर्ट भी ले चुका है, अभी यहाँ पे खरीदारी आ चुकी है, निफ्टी मुझे बुलिश नजर आता है। और अगर ये लेवल क्रॉस करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे नए लेवल हमें देखने को मिलेंगे। गाइस निफ्टी में मैं बुलिश हूँ, बैंक निफ्टी में इतना बुलिश नहीं हूँ। चलिए गाइज चलते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका आज दिन कैसा रहा, किस तरह की आप लोगों ने ट्रेडिंग की। और हाँ एक और चीज, निफ्टी के अंदर मैंने भी आज गाइज ट्रेड लिया, तो यहाँ से मेरे से एक गलती भी हुई। देखिए जिस टाइम पे निफ्टी नीचे गिरा, जब ये यहाँ से वापस पलटने लगा, मुझे एक अपसाइड सिग्नल मिला जहां पे मैंने पुट को राइट किया, और उसके बाद कुछ देर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे गिरावट भी आई। मेरा सिस्टम पे जनरली स्टॉप लॉस होता है अगर मैं आसपास नहीं होता तो, पर बाई चांस मेरा स्टॉप लॉस नहीं था, अगर होता तो वहां पे वो हिट हो जाता क्योंकि एक टिप देखने को मिला। पर वापस से निफ्टी के अंदर खरीदारी आई और यहाँ पे जाके मैंने एग्जिट किया। मैं यहाँ पे भी एग्जिट नहीं करता, पर मुझे प्रॉफिट होते होते उसने थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट कम किया जब यहाँ पे ये वाला टिप आया। तो गाइस इतने इतने छोटे छोटे टिप्स के अंदर ना मैं फटाफट से एग्जिट करता, तो अगर मार्केट ऊपर जा रही लगातार फिर तो मैं अपने ट्रेड में बना रहता हूँ। उसके बाद भी मेरे पास दोबारा मौका था यहाँ पे निफ्टी के अंदर। देखो अगर एक डिप आया यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, तो मैं कंसेप्चुअल ट्रेडर्स के लिए ये चीज बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे हमने एग्जिट भी कर दिया तो क्या दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हमने 4-5 पॉइंट लूज कर दिया ना बीच में, दोबारा से हमें यहीं पे अपसेट सिग्नल मिल जाएगा, और यहीं पे अपसेट सिग्नल मिला भी होगा, दोबारा सिग्नल मिला वहां पे कॉल खरीद सकता था, यहाँ पे पुट बेच सकता था, फिर से एंट्री करता, फिर दोबारा एंट्री चल जाती और वहां पे बढ़िया पॉइंट्स बन जाते। तो गाइस छोटे स्टॉप लॉस गेम खेलो, छोटे स्टॉप लॉस गेम जो है ऑलवेज बढ़िया होती है, वहां पे छोटे रिस्क लो और जल्दी जल्दी एग्जिट करते हो अपनी पोजीशन से अगर ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है। होल्ड नहीं करना लूजिंग ट्रेड को, विनिंग ट्रेड में बने रहना होता है। राइट, चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।